हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैक्रो वेरिएबल के बारे में बताऊंगा। ओके, आप यहाँ पे सेट में जाइए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक मैक्रो का टैब है। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ देखेंगे 01, ये 01 नंबर का मैक्रो है, ये 33 तक रहता है। ओके, फर्स्ट इन्हें लोकल वेरिएबल कहते हैं। अगर कोई भी डेटा आप अगर आप यहाँ पर डालते हैं, सपोज 2 इनपुट, ओके, और अगर आपने ये रिसेट कर दिया, रिसेट का बटन दबा दिया, ओके, ये दिस, तो ये डेटा यहाँ से निकल जाता है, मतलब यहाँ से लॉस्ट हो जाता है। लेकिन वही आप 100 में कुछ डालेंगे 2 इनपुट और आप रिसेट करेंगे, तो ये 100 से भी यहाँ से डेटा निकल जाएगा। ओके, ये कहाँ तक है, 119 तक। सो ये दो सेगमेंट हो गए, 1 to 33 लोकल वेरिएबल, और ये 199 तक। ओके, लेकिन इसके बाद जो वेरिएबल है आपके, अगर आपने यहाँ पे 2 डाल दिया, इनपुट कर दिया, तो 503 को 2 अगर डाल दिया और आपने रिसेट किया, तो यहाँ से डेटा लॉस नहीं होता है, तो ये ऑलवेज सेव रहता है जब तक आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ओके, 0 इनपुट में जैसे का वैसा कर दिया। ओके, तो यहाँ पे अगर जो भी डेटा आप डालेंगे तो ये सेव रहेगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है, अगर कोई भी प्रोग्राम में आपको किसी वैल्यू को चेंज करना है, तो आप कंडीशनल ब्रांच, मतलब लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ब्रांचेस यूज़ करके इन माइक्रो वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं कंटिन्यूसली। अब कंडीशनल ब्रांचेस और माइक्रो वेरिएबल, ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है, तो आपको इसे वन बाय वन सीखना पड़ेगा। मैं कुछ वीडियोज़ इसको इस पर अपलोड कर दूंगा, तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये वेरिएबल्स आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब इनको प्रोग्राम से कैसे करना है बता दूँ आपको। अब MDI में जाइए, यहाँ पे लिखिए #1 इक्वल्स टू 2.0 एंटर ब्लॉक इंसर्ट। अगर आपको #1 में कुछ लिखना है, तो #1 इज इक्वल टू, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट। ओके, तो आप सेट में जाइए, मैक्रो के टैब में ऊपर चले जाइए। ओके, ये देखिए, ये 1 नंबर का मतलब #1 है, तो यहाँ पे 2 आ गया वैल्यू। तो ऐसे 99 तक, 999 तक आप कुछ भी वेरिएबल इन प्रोग्राम के थ्रू पुट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, और इसका यूज़ करके प्रोग्राम में कहीं पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें प्रोग्राम नहीं है कोई वेरिएबल का, नहीं तो मैं आपको बताता था। ओके, तो ये मैक्रो वेरिएबल के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियोस मैं बना के डालूँगा आपको, तो ये आपको समझ में आ जाएगा इसे कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, सो थैंक यू। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको काउंटर गिनना है किसी पार्ट्स का, तो ये आप M30 के पहले डाल दीजिए +1 #1 इज इक्वल टू 1 प्लस #1, अभी #1 इज इक्वल टू 1 प्लस #1, #1 अभी 0 है, तो ये 1 0 1 2 3 4 ऐसा काउंट करेगा। तो अभी से ऑटो मोड में डालिए और साइकिल स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए, मैं साइकिल स्टार्ट करता हूँ, देखिए ये 1 प्लस से काउंटिंग स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं काउंटर के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, और प्रोग्राम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका यूज़ आपको बताऊंगा बाद में। ओके, सो थैंक यू।